फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो होली का त्यौहार आ गया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ गुजिया का रेसिपी शेयर करें। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 किलो दूध, जिसको जिसका मैं खोआ बना रही हूँ। तो जब तक हम दूध जला रहे हैं, तब तक चलिए हम और भी चीज़ें आपको दिखा देते हैं कि हम क्या क्या लिए हुए हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे इस तरीके का गोला, इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 पाव काजू और 1 पाव बादाम। तो चलिए इनको हम पीस लेते हैं अच्छे से। पहले इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। सारे को कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे को कद्दूकस कर दिया है। तो चलिए इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए इसको कुछ इस तरीके से पीसना है। पीस के इसमें डाल दे रहे हैं। चलिए देखते हैं दूध को मैंने रखा है। देखिए इसको हम अच्छे से चला लेंगे दूध को तेज आंच पे। देखिए अब इतना दूध हमने जला लिया, तक ऐसे खोआ बन गया। तो इसको हम थोड़ा सा और चलाएंगे। हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से और चला लेंगे ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से जल रहा है, छिटक बहुत रहा है। इसको ऐसे लगातार चलाते रहिएगा वरना नीचे पकड़ लेगा इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से खोआ हो जाए। तो इस तरीके से हो जाए तो बंद कर दीजिएगा। ये अब अच्छे से जम जाएगा देखिए, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो अब इसमें हम नारियल मिला दे रहे हैं, जो हमने नारियल और काजू और बादाम कद्दूकस करके रखा हुआ था, तो उसको भी इसमें हम मिला देंगे। तो देखिए मैंने इसमें नारियल को डाल दिया है। अब इसी पानी से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हम मिक्स करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए नारियल को हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम लिए हैं यहाँ पे 1 किलो चीनी। ये देखिए मधुर कंपनी की है और बड़ी दाने की है। तो हम इसको पीस लेते हैं और पीस के इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने चीनी को भी पीस दिया। अब चीनी को हम इसमें मिला देंगे से, मिला के मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें चीनी भी मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब आटा सान लेते हैं, आटा को दिखाते हैं आपको। मेरा आटा 2 किलो आटा है। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइन 2 बड़े चम्मच से, और इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। आटा बहुत टाइट गूंथना है। तो ये देखिए आटा गूंथ के हो गया रेडी, टाइट है। तो चलिए हम पूजा को बना लेते हैं। तो चलिए ये देखिए इस तरीके से छोटा छोटा लोई बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया चकवा। हम इसको तेल देते हैं। ये देखिए
तो हम बना रहे हैं इसके मशीन से, आप लोग का मन करे तो आप लोग हाथ से भी बना सकते हो। ये देखिए तो ये देखिए ये बनके रेडी है, रेडी। अब इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इतना बनके हो गया रेडी। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए ये लाल हो चुका है, पक गया है। अब इसको निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनके हो गई रेडी। सो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।